ओके यस सर। एक बार एल्लाप्पा ऊपर उठ के बताओ, एल्लाप्पा सबको बताओ। ओके ऑन हो गया। यस सर। लाइव बनाया बंदा। यस सर। हाँ पूरा काम करा। सर्किट डायग्राम भी सर मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, ये लाइन क्या होती है, वीपीएच क्या होता है, वीपैट क्या होता है, कहाँ 1.8 जाता है, कहाँ 4.0 जाता है। हम लोग कहीं भी लगा के 4.0 लगा के शॉर्ट कर देते थे सीपीयू। तो अभी वो समझ में आ गया कि सीपीयू के आसपास क्या कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी जब से इधर आए हम लोग कॉन्फिडेंट लेवल तो 101% हो गया था। मगर चार्जिंग वगैरह कैसे कर रहे थे, लाइनों की नॉलेज भी तो नहीं चाहिए। सिस्टमैटिक की कोई नॉलेज नहीं थी। यहाँ आने के बाद पता है वीबीएस वीएसपी वीएसएसक्यू ये सब कोई लाइन के नहीं, जहाँ पे बंद चाहता था वहाँ से वोल्टेज यूट्यूब पे देख के दे देता था और वो सीपी उड़ जाता था हम लोग का। मैं 10 से 12 साल से इस फील्ड में हूँ। ओके okay. इससे पहले मैं सिर्फ पावर आईसी उठाना, दूसरा निकाल के सेम टाइप का निकाल के डालना, इतना ही मुझे आता था। ओके okay. उससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रिटर्न कर देते थे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए हमेशा कुछ धमाकेदार लेकर आता हूं, तो इस वीडियो के अंदर भी आपके लिए बहुत कुछ रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें ऐसी दिखाने वाला हूं जो कि बिल्कुल नई होने वाली है। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आता हूं हमेशा मेरी वीडियो गारंटी वाली होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी भाई का एक भी रुपया खराब हो, क्योंकि मैं चाहे टूल्स का वीडियो बनाऊं या उसके अंदर इंस्टीट्यूट का वीडियो बनाऊं, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं तो वो हमेशा 100% गारंटी वाला होता है। तो हर बारी की तरह जैसे फिरोज जी हमारे साथ हैं, फिरोज जी आज हमें बताने वाले कि आज ही हमें क्या दिखाने वाले हैं। और अगर आपने उस अगर आप जो देखने वाले हैं उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद आप भी अपने जो भी आपकी शॉप वगैरह है वहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। तो सर आज क्या बताने वाले हैं हमारे भाइयों को? सबसे पहले समीर जी को थैंक्स कहना चाहूँगा, वो फोन फिक्स हैदराबाद आए और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं इसमें लाइव वीडियो हम यहाँ पे समीर जी के सामने स्टूडेंट से बनवा के बताते हैं। तो सर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ईएमसी का काम अगर से कोई करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है, जिसमें हम पूरा ईएमसी की प्रोग्रामिंग बताते हैं, चाहे वो यूएफआई बॉक्स हो या फिर इजी चटैक बॉक्स हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ यूएफएस के बारे में भी उसमें एक्स्ट्रा में बताते हैं। ओके okay. ऐसे कोई हैंडसेट्स है 15-20 हैंडसेट आप ला सकते हैं ईएमसी प्रोग्रामिंग के, जो कि लोगों पे अटके हुए हैं या फिर ऑनलाइन फ्लैशिंग करने पे उससे 2,000-1,500 रुपये मांगते हैं ओप्पो वीवो के हैंडसेट। तो ऐसे हैंडसेट आप ला सकते हैं, क्लास में आप सीख सकते हैं और इसमें आपको 10 दिन के अंदर पूरा ट्रेन करेंगे। और इसमें फीस जो रहने वाली है ओनली 20,000। ओके जिसमें आपको रहने का भी रूम फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और ईएमसी के साथ साथ इसमें हम हैंड स्किल के काम में आपको आईसी वगैरह रिवॉल्विंग करना, चाहे वो व्हाइट पेस्टेड हो, ब्लैक पेस्टेड हो या डुअल डेकर सीपी हो, ये डुअल डेकर का एक्स्ट्रा में इसमें आपको सिखाया जाएगा, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा, ये फ्री कॉम्प्लीमेंट है फोन फिक्स हैदराबाद टीम की तरफ से। बिल्कुल। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ आपको और नोटिस करा देता हूँ कि जैसे फ्रोज सर ने भी बताया कि इसके अंदर आप हैंडसेट वगैरह लेकर आ सकते हैं। सपोज अगर आपके पास 5-7 हैंडसेट हैं और वो आप लेकर आते हैं और आपके डन हो जाते हैं वो, तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जो आप 20,000 फीस देंगे अराउंड, वो 5,000 रुपये फीस मेरे हिसाब से आप रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो रिपेयर के भी तो आप उनसे पैसे लेने वाले हैं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। ఓకే మోడల్ ఏంది? M21 ఏముంది ప్రాబ్లం దీంట్లో? ఆన్ అయ్యి కొద్దిసేపు రన్ అయిన తర్వాత రీస్టార్ట్ అవుతుంది. రీస్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే చేస్తారా దీన్ని ఇప్పుడు? చేస్తా. కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా? ఓకే తీయండి.
ओके विदाउट रैम जो पेटू रैम 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 पैन जो नहीं था दिखा तो पैन इनला विदाउट बोर्ड जो ओके डन चार्जर कनेक्ट चाहिए चार्जर इतना पक्के का नहीं केबल एनो नंबर में दोनों दिए फोर्थ नंबर ओके बैटरी बैटरी आप समझ लें ओके बताइए इसको नहीं 0.1 एम 0.1 एम ओके 0.1 दी इसको नहीं ओके एलपा सीपीयू ओके ना इधी 100% ओके रैम ऐसे आने को तुमने सेट ही थी आने को ओके राइट है शायद रैम फिक्सिंग का देख लो इधर एक मिनट देखना है तो किसी को मेरे किंद ओके राइट ఉన్నది ఉద్దేశం కొంచెం ఓకే 350 లో రౌండ్ హిట్ కొట్టు ఎండి బై షేర్ దెను షేర్ स्टेट रेट को दिया ओके राइट अल्लाह बहुत देश अब इसको क्रॉस करके बताओ ओके क्रॉस जैसे पैना एलसी ले पेट कल अब क्रॉस जैसे पैना गैप मिडिल गैप ओके पही जो पेट ओके जूम ओके निमिष थोड़ा पै गया ना ओके वेरी गुड बैठ गया ये यस सर ठीक है चलो एक बार फोन को थोड़ा ठंडा कर दो चलो आप ओके यस सर एक बार एल्ला पर ऊपर करके बताओ एल्ला पर सबको बताओ ओके ऑन हो गया यस सर लाइव बनाया बंदा यस सर हां पूरा काम करा यस सर ओके एक्सीलेंट ओके एल्ला पर पूछो किधर से एल्ला पर आप मैं विकाराबाद से विकाराबाद నుంచి ఎలా అనిపిస్తుంది డ్యూయల్ టెక్కర్ చేసుకున్నాం లైవ్ లో చాలా మంచి ఉంది సార్ మీ సపోర్ట్ కూడా చాలా మంచి ఉంది మాకు ओके हिंदी लो ये पु हिंदी राधा कंफ्यूज है ओके ओके प्रोनंसिएशन करेक्ट ओके ओके सर जो इंच टोटल आ रही पे ना मोबाइल हां नहीं ओके ओके टोटल आ रही पे ना टोटल वर्किंग ఉంది కదా మొబైల్ వర్కింగ్ ఉంది సార్ ఓకే కస్టమర్ మొబైల్ ఇది కస్టమర్ మొబైల్ సార్ ఓకే ఫస్ట్ టైం చేసను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా ఇంతకు ముందు వర్క్ ఏం చేస్తుంటివను ఇంతకు ముందు జస్ట్ ఏంటంటే బోర్డ్ లో కెపాసిటర్ లో తీసేయడం ఆ షార్ట్ ఉంటే యా మళ్ళీ వీటక్ పోడం ఓకే ఎన్ని రోజుల ట్రైనింగ్ తర్వాత ఈ రిజల్ట్ దొరికింది నాకు ఇప్పుడు వచ్చి 10 డేస్ అవుతుంది 10 డేస్ అవుతుంది అన్ని చేయగలుగుతా డేట్ లో ప్రాబ్లమ్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ రీడింగ్ హ్యాండ్ స్కిల్ ప్రతి ఒక్కటి అన్ని చేయగలుగుతా ఎలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చాలా బాగా చెప్తున్నారు సార్ చాలా సటిస్ఫై ఉన్నారా మీరు ఇక్కడ నుంచి సార్ సటిస్ఫై ఉన్నారా మీరు ఇక్కడ చాలా సార్ మంచి ఉంది సార్ ఇక్కడ నాకు సార్ ఓకే ఎవరైనా రావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు ఏం ఐడియా లేకపోతే ఫోన్ ఫిక్స్ రావాలి అన్నీ ఇక్కడ ఏది అయితే మీరు లాస్ అవుతున్నారో అక్కడ షాప్ లో కూర్చొని ఇక్కడ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్పుతారు ప్రతి ఒక్కటి ఓకే నుండి ప్రాక్టికల్స్ వరకు ఓకే కంగ్రాట్స్ కంగ్రాట్స్ ఎల్లప్ప
एक बार एल्लप्पा के लिए जोरदार तालियां भाई। ओके थैंक यू, गुड जॉब। अच्छा ये सब लोग कर सकते हैं ना, तुम भी? Yes, सब लोग कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई अकेला बनाया सब लोग खाली बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सब बना सकते हैं ना। ओके थैंक यू। ठीक है, ये एल्लप्पा है, ठीक है, 27 फरवरी बैच का। जो एल्लप्पा आप कितना दिन हो रहा है काम कर लेते हो, इससे पहले कैसा था, आज कैसा है, तुम्हारा लेवल कैसा है काम के अंदर? ఇంతకు ముందంటే నేను ఇట్లా బోర్డులు ఓపెన్ చేసి డ్యూయల్ లెక్కర్ కానీ ఇట్లా ఇసి రివాల్వ్ చేయడం కానీ ఇవేం తెలుస్తాను నాకు అసలు. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చినాక ఆ ట్రాక్స్ కానీ డ్రా మ్యాప్ రీడింగ్ చేయడం కానీ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ రీడ్ చేయడం కానీ ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ చేయడం కానీ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి సార్. ఇక్కడ చాలా ఈజీ అయిపోయింది, చాలా ఈజీగా. ఓకే, మీరు ఏమైనా ఫోన్స్ తెచ్చుకున్నారు, దాన్ని రిపేర్ చేసుకున్నారా? ఇక్కడ నేను ఇక్కడికి ఒక 6 ఫోన్స్ తెచ్చాను సార్, అందులో మ్యాక్సిమం 5 ఫోన్స్ అయిపోయినాయి. 6 फोन, 6 फोन लाए थे और okay. 5 फोन मैं रिपेयर कर लिया खुद से. तो 5 फोन कौन कौन से थे आइडिया? M31, 6 5A, 5A, Note 5 Pro, Y2. ओके, डुअल टेकर बनाए ना अभी, फ्रेशर थे, फ्रेशर थे, ये भी डुअल टेकर करके पूरा ऑन करे, इनका पूरा वीडियो भी है मेरे पास. तो अपने हाथ से बनाए इन्होंने? हाँ, पूरा हाथ से बनाए. नहीं, पूरा हाथ से बनाए. इनका पूरा वीडियो है मेरे पास, एक एक करके नेक्स्ट चैनल के अंदर मैं डालूंगा इन लोगों को. ओके ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे? कोई आना चाह रहे आंध्रा से, तेलुगु वाले बच्चे हैं, जो उनको क्या बोलना चाहेंगे? ఇక్కడ ఫోన్ ఫిక్స్ హైదరాబాద్లో మాత్రం మనకు ఏదో అయితే ఆలోచించి మనం ఇక్కడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామో దానికన్నా ఎక్కువ దొరుకుతుంది మనకు. సాగర్ సార్ అయినేమి, ఫెరోజ్ సార్ అయినేమి, ఇంకా ఈ సార్ అయినేమి, కానీ చాలా బాగా చూసుకుంటారు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా కానీ వాళ్ళు ఏం కోపగించుకోరు అసలు, 10 సార్లు అడిగినా కానీ చాలా బాగా చెప్తారు అసలు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంతా, అసలు బోర్ అనేది అనిపించదు. ఇక్కడ కామ్ కర్ లేంగే నా జాకే, బ్లాక్ పేస్ట్ వైట్ పేస్ట్ బ్లాక్ పేస్ట్ సర్కిట్ డయాగ్రామ్ రీడ్ కర్నా ఆ రా అభి ఆప్కు? హా వస్తా సార్. ఠీక్ యే హే సలీం, సలీం థోడా ఏక్ మోమెంట్ దో నా, బోత్ యాక్టివ్ స్టూడెంట్ హే. ఓకే yes sir, బైటో అచ్చా సలీం, మరాఠీ మే బోలో, తుమ్ మరాఠీ మే బతా. ఠీక్ హే, కైసా హే తుమ్హారా ఎక్స్పీరియన్స్? 20 దిన్ కా 15 దిన్ కా జో బి ఎక్స్పీరియన్స్ హే బతా, పహలే నామ్ బతా. సర్ మహారాష్ట్ర సే తోర్ బి హే నా సర్, మే హిందీ బోల్తా హూం. హా చలో హిందీ బోలో, కైసా బి సర్? మే మహారాష్ట్ర ముంబై సే హూం. ओके, और मेरे को इधर आके 15 दिन हो गए. अच्छा, तो मेरे को एकदम था एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे कुछ कुछ रास्ते में बहुत तकलीफ होती थी. और डबल डेकर तो मैं कभी किया ही नहीं था, कभी वो हाथ ही नहीं लगाया था उस चीज़ को. इधर आने के बाद सर ने जो ट्रिक बताया मुझे, और मैं अभी खुद इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि बिंदास अभी हिला सकता हूँ मोबाइल पूरा. तो डुअल डेकर वगैरह कर सकते हैं? हाँ भाई, 101%. अभी कर ही रहे हैं ना, थोड़ा सा अभी निकाला मैंने सर. बताओ थोड़ा बोर्ड, बताओ थोड़ा. तुम्ही खोले ना सीपीयू रैम? यस सर. कुछ पिन उन डैमेज तो नहीं किए? नहीं नहीं सर, वो एनसीपी ने, वो सब एनसी एनसीपी ने, एनसीपी ने पता चल गया. अभी 100 सर्किट डायग्राम के बारे में बताओ, एंड स्किल का तो काम कर ही रहे हैं. सर्किट डायग्राम भी सर मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, कि ये लाइन क्या होती है, वीपीएच क्या होता है, वीबैट क्या होता है, कहाँ 1.8 जाता है, कहाँ 4.0 जाता है. हम लोग कहीं भी लगा के 4.0 लगा के शॉर्ट कर देते थे सीपीयू. तो अभी वो समझ में आ गया कि सीपीयू के आसपास क्या कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, ये सब कुछ भी नहीं आइडिया था. अभी जब से इधर आए हम लोग कॉन्फिडेंट लेवल तो 101% हो गया सर. कुछ फोन बनाए सलीम तुम? हाँ सर, मैं 3 शॉटिंग पीस बताए बनाए. 3 शॉटिंग फोन तुम ही बनाए? हाँ, मैंने ही बनाया. कोई सपोर्ट करे या तुम्हारा क्लास बोल दे के बस जैसा बता? ट्रिक को जो आपने बताया था मेरे को, वही ट्रिक मैंने अप्लाई किया और 3 फोन बनाए के सर, वो क्लीन ही हो गया. 3 फोन वो आपके थे या? नहीं, मेरे पर्सनल थे सर. आपके पर्सनल थे सर? तो वो 3 फोन जो शॉटिंग वाले थे, वो मतलब ऐसे ही घर पे स्क्रैप में पड़े थे या? हाँ, 6-6 महीने से ऐसे ही पड़े थे सर. 6-6 महीने से ऐसे ही पड़े थे. तो अब आप फोन फिक्स आए, तो जो सर ने ट्रिक बताई है आपको, उस ट्रिक को आपने फॉलो किया, फॉलो करने के बाद वो आपके तीनों ओके हो गए 100%. तो वो सर ने ऑन करें या आपने? नहीं, मैंने खुद ने, सर ने उसी एक मेथड बताया कि ऐसा शॉटिंग हो, ये रास्ता ऐसा करते, और मैंने वही अप्लाई किया और 101% जैसा सर ने बताया था वैसी प्रॉब्लम निकला, और मैंने फाइंड करके एकदम क्लीन कर दिया. चलिए बहुत अच्छी बात है. तो देखो, इनके जो हैंडसेट हैं वो 6-6 महीने से इन्होंने स्क्रैप में डाल रखे थे. इन्हें उम्मीद नहीं थी कि शायद वो कभी ऑन होंगे या नहीं होंगे. ये अपने साथ लेकर आए, उन्हें लेके आने के बाद जैसे सागर सर ने इन्हें बताया कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे तो ये आपके हैंडसेट हो जाएंगे, और इन्होंने उसी तरह से करके अपने तीनों हैंडसेट इन्होंने आज ऑन कर लिए हैं. जो इनके स्क्रैप के अंदर पड़े थे, आज इनके वो हैंडसेट ऑन हो चुके हैं. तो ये देखिए कि इन यहाँ आने आप, तो मैं तो यही कहूँगा आपके पास 4-6-8 जो भी फ़ोन है वो आप अपने साथ लेकर आइए. 1x1 जैसे यहाँ पर टॉपिक चलता है, उस दौरान आपके वो फ़ोन भी रिपेयर हो जाएंगे. देखो, हमेशा मैं इसीलिए इस चीज़ के लिए बोलता हूँ, देखो मेरे को फिगर रहती है थोड़ी सी आपकी फ़ीस को लेकर भी यार. अगर फी कोर्स के दौरान अगर आपकी थोड़ी सी अगर फ़ीस रिकवर हो जाती है, तो यार देखो आपके लिए भी ये थोड़ा सा बेनिफिट
रहने वाला है। तो ये तो था हमारे लिए, इनके लिए मतलब इन्होंने हमें बहुत अच्छा रिव्यू दिया। अगर कोई मुंबई से आना चाहता है यहाँ पर तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर लगता होगा काफ़ी भाइयों को। हाँ सर, दूर तो है, लेकिन मैं तो जो मुझे पहले फ़ोन करा था मैं सर को बारे में बोलूँगा कि आग बंद करके यहाँ पे आ जाओ आप। ओके, 101% आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत टॉप हो जाओगे आप। और मुंबई में अगर आपसे कोई काम कराना चाहता है तो आप किस जगह पर है आपकी शॉप? मैं अभी आप शॉप कल्याण में हूँ। ओके, तो भाई अगर आप इनके आसपास से हैं, अगर आप इनको जानते हैं तो आप इनके पास अपने हैंडसेट लेकर जाइए, क्योंकि जो काम ये पहले नहीं कर पा रहे थे या जो काम आप नहीं कर पा रहे ये अब आपको भी वो वाला काम आपको करके देने वाले हैं 101%। तो चलिए इसी तरह से जैसे इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। जी सर। तो कहाँ से फैजान भाई आप? मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। ओके, तो आपको कैसे पता चला यहाँ फ़ोन फिक्स के बारे में? मैंने आपसे 2-3-4 बार कॉल करके पूछा भी था। अच्छा, तो मैं लास्ट टाइम ऐसे और जहाँ जाना चाहता था वहाँ फीस पे भी कर दी, वहाँ पे एडवांस दे भी दिया था। अच्छा, 1000 वहाँ दे के उसके बाद वहाँ मैंने छोड़ दी। आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा कि वहाँ पे जाओ, सागर सर की बेस्ट हैंड स्किल है। और मैं आया, मुझे लगा, और मैं इतना नहीं पता था कि मैं ब्लैक पेस्टेड डुअल डेकर वाइट पेस्टेड कर पाऊँगा। अच्छा, मैं आने के बाद मैंने ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड सब मैंने क्लियर कर लिया है, और सागर सर का सपोर्ट भी बहुत अच्छी है कि मैं तो बीमार पड़ गया था, सपोर्ट सर ने किया। ओके, मैं तो हार्ड सरप्राइज भी 2 दिन हुआ था, सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि ज़िंदगी रही तो मैं कभी इनको नहीं भूलूंगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे आप इतना दूर से यहाँ पर आए और आप बता रहे कि मैंने ब्लैक पेस्टेड या डुअल डेकर वगैरह आज तक नहीं किया था, तो यहाँ आपने स्क्रैप बोर्ड पे काम किया या ऑन बोर्ड भी मिला? ऑन में हमने किया, फर्स्ट टाइम में हम लोग को पहले ही दिन बता दिया गया था, दूसरे दिन सारे उसी दिन भी एक फ़ोन ऑन दिया गया था, फिर दूसरे दिन ब्लैक पेस्टेड भी मुझे दिया गया था ऑन, मैंने उसको भी मैंने हम लोग ने किया है। और अभी देखिए मैंने किया भी एक ब्लैक पेस्टेड निकाल के, अभी ये देखिए CPU रिवॉल्व भी किया है मैंने। ओके, ये आपने किया है? जी मैंने किया, ये भी निकाल के किया था, देखिए ये भी मैंने अभी मैंने ब्लैक पेस्टेड निकाला है, ये दोनों मैंने किया अपने हाथ से। प्रिंट वगैरह डैमेज तो नहीं हुए? नहीं नहीं, अभी कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुए हैं। तो जिस तरीके से आपने अभी अभी तो आपको लग रहा होगा यार कोई प्रॉब्लम होगी सर हैं, आप अपनी जब अपनी शॉप पर बैठेंगे तो इस कॉन्फिडेंस से आप काम कर सकते हैं? हाँ एकदम, 2 महीने में तो इंशाल्लाह ऊपर पहुँचना है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो यहाँ से जाने के बाद प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। सर ने पहले ही बोलते गए कि 2 महीना वहाँ 3 महीना तुम जाके अपना टाइम देना इस चीज़ में, तब क्योंकि तुम आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जाने के बाद मैं रुक जाऊंगा तो फिर वहीं रह जाऊंगा, जाने के बाद काम करते रहना तब मेरी हैंड स्किल और अच्छी हो जाएगी। तो आप कितने टाइम से काम कर रहे थे मोबाइल रिपेयरिंग का? 6-7 साल से सर। 6-7 साल से आप काम कर रहे थे, तो नॉर्मल जैसे चार्जिंग वगैरह के इशू आ रहे थे वही कर रहे थे? बस चार्जिंग है और आपका थोड़ा बहुत निकाल के डिस्प्ले चेंज कर लेना। मगर चार्जिंग वगैरह कैसे कर रहे थे, लाइनों की नॉलेज भी नहीं? सिस्टमैटिक की कोई नॉलेज नहीं थी, यहाँ आने के बाद पता है VSP, VSSQ ये सब कोई लाइन के नहीं, जहाँ पे बंद जाता था वहाँ से वोल्टेज यूट्यूब पे देख के दे देता था और वो CPU उड़ जाता था हम लोग का, फिर लास्ट में नहीं बनता था, कस्टमर को थमा देते थे कि नहीं हो पा रहा। अभी नॉलेज है फैजान? हाँ बहुत बहुत अच्छी नॉलेज है। और तो भाई एक मिनट, तो भाई यूट्यूब पे देख के देखो, आप कहीं पर भी किसी को शॉर्ट मत करो किसी भी मदरबोर्ड का, इस कम से कम जो सामने वाला कस्टमर है उसका इस लायक छोड़ दो कि वो कहीं और से बनवा ले, आप अपने चक्कर में उस बेचारे का क्यों नुकसान करते हो। तो नॉलेज वाली बात है, तो इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली यहाँ पर। नॉलेज देखो, नॉलेज क्या होनी चाहिए इन्होंने आप ही के सामने बताया, हो सकता है क्या पता आपको लग रहा हो ये फ़ोन फिक्स ने अपनी तरफ से इनको बिठाया हुआ है। आप किस जगह से हैं सर? गोरखपुर से हैं सर, यूपी से। यूपी गोरखपुर से, तो आप किस जगह से हैं? उस जगह वहाँ पर आनंद कॉम्प्लेक्स चाइना मार्केट उसको बोलते हैं, और गोरखपुर में एक ही मार्केट चाइना की मशहूर है, वो उसको बोलते हैं चाइना मार्केट, मैं उसका नाम है आनंद कॉम्प्लेक्स, दुकान का नाम भी मीना मोबाइल मेरी। तो भाई ये मैंने इसलिए पूछा है, जो भी मेरे भाई गोरखपुर के आसपास से हों, जो खास गोरखपुर से हों, वो इनके पास जाएं, आप अपना काम करा कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि फ़ोन फिक्स किस लेवल तक आप यहाँ पर आपको सिखा देंगे, क्योंकि आपके अंदर भी एक लगन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीखने के लिए, तभी आप इस लेवल तक पहुँच सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप मम्मी ने कह दिया या पापा ने कह दिया बेटा तू कुछ कर नहीं रहा जा मोबाइल सीख ले जाके, देखो वैसा बंदा तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी ना है, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो क्या सीखेगा। इनके अंदर लगन थी, 2 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी इन्होंने आज यहाँ पर डुअल डेकर भी कराए और ब्लैक पेस्टेड भी कराए, जो कि मेरे हाथ के अंदर मुझे दिखाया कि इन्होंने रिबॉल करके। तो इसी तरह से इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और ख़ास चीज़ ये भी अच्छी लगी कि इन्होंने
किसी इंस्टीट्यूट गए थे, वो मुझे आइडिया नहीं एक्स वाई जेड कहाँ गए थे, बाकी उन्होंने वहाँ से अपनी सीट कैंसिल करते हुए फ़ोन फिक्स आए, और यहाँ आने के बाद इनको जो आपने वहाँ पे सीट कैंसिल करी है किसी भी इंस्टीट्यूट में करी है, तो आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि अगर मैं वहाँ चले जाता तो मेरे को बहुत अच्छा? नहीं, वो एक मेरा फ्रेंड गया था, उसको नॉलेज ही नहीं थी, वो आगे मुझसे कहता था कि तुम यार जाना ही मत, हम यकीन बोला कि यार वहाँ पे कुछ बताता ही नहीं है, खाली बैठाए रहते हैं, और मैं अभी तो आप कहेंगे तो आपको दिखा भी दूंगा, मैंने सीट किया था कि नहीं कंफर्म मेरे में, तो गूगल पे से मैंने किया था, उनका नाम भी है, सब कुछ है, भाई सामने नहीं बोल सकते हैं, मगर क्या है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैंने उनसे बोला कि मैं नहीं, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम का मैं आना ही नहीं चाहता हूँ, आप 1000 मत दीजिए मुझे, कोई परवाह नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात। हाँ, ये है कि इतनी दूर आए हों हैदराबाद, फ़ोन फिक्स एक नंबर है, आँख बंद करके लोग आए, बहुत ज़्यादा मिल गया, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने 2000 किलोमीटर दूर से आए, मगर सही जगह अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखो इनके कॉन्फिडेंस को देखकर अपना भी कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं, आगे देखते हैं। तो सर आपका नाम? सर मेरा नाम ऋषिकेश है। सर कहाँ से सर आप? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? तो सर आप कैसे पहुँचे फ़ोन फिक्स? एक्चुअली सर मैंने आपको ही कॉल किया था, मैं भी ऐसा ही था, मेरा भी मैं दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाला था। ओके। पर मैंने आपको कॉल किया, आपने फिरोज सर का नाम लिया। भाई अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो खास मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, देखो पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, अगर आप अपनी मर्जी से उसे कहीं पर भी खर्च कर लीजिए, अगर आप मुझे पर्सनली अगर कॉल करके पूछेंगे तो मैं आपके पैसे की एक से लेके 1000 रुपये हो या जितने भी हो, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी कि आपका 1 भी रुपया खराब मैं नहीं होने दूंगा। तो चलिए सर का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि यहाँ पर कैसा रहा, तो सर आप बताइए, अगर मैंने आपको गाइड किया कि फ्रोज सर के पास आप चले जाइए, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? बहुत अच्छा सर। जो चीज़ आपने सोची थी कि यार मैं आगे जाके मतलब ब्लैक पेस्टेड वगैरह कर रहे थे कि आप अपनी शॉप पे? नहीं सर नहीं। तो जो आप चीज़ आप वहाँ से निकले होंगे कि यार मैं ब्लैक पेस्टेड करूँगा, व्हाइट पेस्टेड करूँगा, या उसके अलावा डुअल डेकर वगैरह करूँगा? एक्चुअली सर ऐसा है, मैं 10 से 12 साल से इस फील्ड में हूँ। ओके। इससे पहले मैं सिर्फ पावर आईसी उठाना, दूसरा निकल के सेम टाइप का निकल के डालना, इतना ही मुझे आता था। ओके। उससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रिटर्न कर देते थे। सपोज मान के चले उसके अंदर नॉर्मल छोटी मोटी शॉर्टिंग है एक तरीके से मान के चले, तो आपने सोचा यार मैं पावर चेंज करके देख लेता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके। अब आपको अगर कोई फोन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं उसको या डायरेक्ट पावर चेंज कर देंगे? नहीं 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 सर, अभी ऐसा है कि पहले हमको सेमेस्टिक के बारे में जानकारी नहीं थी, ये क्या होता है यही मालूम नहीं था। जब फिरोज सर का हमने थ्योरी पढ़ा तब हमें पता चला कि ये चीज़ क्या होती है। ओके। इससे पहले कुछ भी मालूम नहीं था, और सागर सर का हैंड स्किल माइंड ब्लोइंग है सर। तो सागर सर जिस हिसाब से गाइड करते हैं या फिरोज सर जिस हिसाब से गाइड करते हैं, तो उस हिसाब से आपने जो काम किया, तो आपका काम डन हुआ यहाँ पर? यस सर, यस सर हुआ। तो आप अपने साथ कुछ हैंडसेट वगैरह लेकर आए थे? लाया था ना, इसमें ही है, इसके अंदर इसमें। तो भाई ये वही हैंडसेट हैं जो कि सागर सर ने अपने पास रख लिए थे काम डन कराने के बाद, इनको वापस रिटर्न नहीं करे थे, क्योंकि सबको क्या, देखो मैं भी हूँ, अगर मुझे भी एक लालच रहेगा, दो पैसे का मुझे भी लालच होता है कि यार फटाफट से मैं अपना हैंडसेट दूँ और जो मैंने कम से कम उसके अंदर खर्चा भर रखा है वो मुझे फटाफट से मिल जाए, तो यार सबके साथ क्या ये तो एक रहता ही है। तो सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस रहा, ये 13 या 14 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बारे में मतलब नेक्स्ट स्टूडेंट अगर कुछ सोच रहा है माइंड के अंदर, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मराठी में थोड़ा जर महाराष्ट्रातून कोणी येऊ इच्छित असेल ना, तर त्यांनी 100% यावा। इथं सगळे जे चारीचे चारी सर आहेत ना, ते सगळे बेस्ट आहेत। फिरोज सर असू द्या, सागर सर असू द्या, सगीर सर असू द्या, किंवा तोसिफ सर असू द्या, सगळ्या बाबतीत एकदम परफेक्ट नॉलेज आहे, परफेक्ट हार्डवेअर असू, नेटवर्क असू किंवा काहीही असू, सगळं काय असेल ते एकदम 100% नॉलेज आहे ना, एकदम सुपर बेस्ट सगळेच जण। म्हणजे असं कोणाला असं म्हणता येणार नाही की बाबा इथं सॉफ्टवेअरला एवढं काही डिमांड नाही आहे। प्रत्येक गोष्टी इथं आल्यानंतर कळतं की प्रत्येक गोष्टीला डिमांडच हवं आहे तुम्हाला, तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट कळालीच पाहिजे तरच तुम्ही करू शकता। आता बऱ्याच जणांचं असं असतं की तो फक्त एखादा जण असा असतो की तो फक्त सॉफ्टवेअरच करतो, तो हार्डवेअर करत नाही, किंवा एखादा असा असतो की तो फक्त हार्डवेअरच करतो, तो म्हणतो मी सॉफ्टवेअर करत नाही। पण ॲक्च्युली जेव्हा हिथं येतात तेव्हा तुम्हाला हिथं आल्यानंतर जेव्हा 5 दिवसाचं तुम्ही सॉफ्टवेअरचं ट्रेनिंग घेता तेव्हा तुम्हाला कळतं की जेवढं हार्डवेअर महत्त्वाचं आहे हँडसेटमध्ये, तेव्हा तुम्हाला त्याला सॉफ्टवेअरसुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे। ओके। तो एक छोटासा क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जिसमें कि यहाँ पर जितने भी टीचर हैं, आपको किसी टीचर के अंदर ऐसा लगा कि उन्हें थोड़ी सी नॉलेज कम है या कोई क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं दे पा रहे हो? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है, और आप कितनी भी बार पूछो किसी से भी, सागर सर हो, सगीर सर हो, किसी से भी कितनी भी बार पूछो, सर हमसे खुद बोलते आपको कोई दिक्कत है क्या,
सब एकदम फर्स्ट क्लास है सर। यह क्लास का टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पर? सुबह 10 बजे सर थ्योरी चालू होती है और 1-1.5 बजे तक चलता है, उसके बाद आधे घंटे का लंच होता है, 2 बजे से रात को 8, 8:30, 9 बजे तक भी प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल सर। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, सारा दिन ऐसा होता है। कई इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं, वो भी अपनी जगह पर, मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, वो भी अच्छे होते हैं, वो काफ़ी टाइम तक थ्योरी 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 के अंदर क्लास निकाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ अगर जिस काम को अगर हम प्रैक्टिकल में भी लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। उससे जो हमारा जो काम होता है वो हमारे माइंड के अंदर बैठ जाता है कि यार ये थ्योरी हमने पढ़ी थी और इसको हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया, हाँ यार ये इस तरह से हमारा काम डन हो जाता है। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं, चलिए हम इनसे पता करते हैं, इनका नाम पूछेंगे और नाम के साथ साथ ये किस जगह से वो भी हम पता करने वाले हैं। तो सर आपका नाम सर? किरण। कहाँ से सर आप? कर्नाटका से। कर्नाटका से। तो आप एक चीज़ बताइए, फोन फिक्स के बारे में बताइए कि फोन फिक्स के बारे में कैसे पता चला आपको? मतलब मेरा फ्रेंड पहले आया था, इनके हिंदी जुल्फिकर का मेरा फ्रेंड आया था, आपको था, उन्हें काम करने के बाद मैं देख क्या अच्छा काम कर रहा, वो फ्रेशर था, उन्हें टचअप भी नहीं आया, बेसिक भी नहीं आता था उसको। मैं 4-5 साल से यह काम कर रहा हूँ, ऐसी उठाने को नहीं आता था, ऐसी कौन सा ऐसी कौन सा कनेक्शन को भी मालूम नहीं था। वो फ्रेशर आके 1 महीने पे काम अच्छा करता था, उसके देख के मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, जो आप 4-5 साल से इस फील्ड के अंदर थे, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे और वो जो फ्रेशर आपके यहाँ से आए थे तो वो काम वो कर लेते थे? कर लेते, इजी से कर ले रहा। तो भाई देखो, फ्रेशर एक आदमी इजी से वो काम कर सकते हैं जो कि ये 4-5 साल से वो काम नहीं कर पा रहे थे। जो चीज आप सोच कर आए थे माइंड के अंदर, जो काम आप रिटर्न दे रहे थे, अभी आप वो काम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा खराब गया हो? नहीं 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 सर, पैसा वसूल है। अच्छा वसूल। तो भाई लास्ट बैच का, लास्ट 2 महीने के पहले का स्टूडेंट है, ओके, उसका काम देख के ये इधर आ गया और वो बंदा फ्रेशर था वो, और इनसे अच्छा काम कर रहा है और ये अभी डबल डेकर वगैरह सब बना लिए। तो भाई मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली जो देख कर आए, ये अपने जो जिस जगह से भी ये हैं वहाँ पर एक अपने स्टूडेंट को देख कर आए जो कि फ्रेशर स्टूडेंट था वहाँ पर और फ्रेशर काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। तो ये उससे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आए और इम्प्रेस होने के बाद, यहाँ आने के बाद जो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो आप ही के सामने, कि आज के टाइम में आपने कुछ हैंडसेट वगैरह बनाए सर यहाँ पर? 2 हैंडसेट बनाओ। कौन से मॉडल थे सर वो? एक F41 है, डुअल डेकर। तो आपने खुद किया या सागर सर ने? मैं खुद किया। पक्का? पूरा वीडियो है उनका। तो भाई ऐसे नहीं कि सागर सर ने करके दिया हो, जो भी स्टूडेंट है उन सागर सर ने सबका पूरा पूरा वीडियो ले रखा है, जिससे कि यार आपको भी लगना चाहिए कि हाँ यार रियल वीडियो बनती है हमेशा, ऐसे नहीं कि कोई फेक वीडियो बन जाए। ओके, मैं ऐसा नहीं कि ये खाली तुम फोन लाए कर दो, ऐसे तुम ही कर दो, मैं एक फोन पूरा ऑन हुए तक सपोर्ट करता हूँ। जोरदार क्लैप्स करो भाई। सुनो तो भाई, देख लो और ये आपको ऑन की दिख रही है अभी, अगर इसको वीडियो को पीछे लेके जाएं तो आपको दिख जाएगा ये आईसी सेट करते हुए। अगर फुल वीडियो देखनी है तो इसको मैं जरूर डालूंगा, आपको देखने के लिए मिलेगी। आप ही किए ना ये? तो हाँ सर, फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं, फेक वीडियो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलके भी अच्छा लगा। अगर कोई भाई आपकी तरफ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नाम बोलो थोड़ा। यार बुराएंगे रो, ट्रेनिंग क्लिप है 15 रील बनने, सर अदू रेस्पॉन्स आगले, रूम दागले, ಏನಾದರೂ ಊರದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹರ್ ಬಾರಿಗೆ ತರ ಏಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಮಾರೇ ಸಾಥ್ ಹೋ ರಹೇ, ಚಲಿಯೇ ಹಮ್ ಇನ್ಸೆ ಪತಾ ಕರೆಂಗೆ, ಶಾಯದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾ ಥೋಡಿ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿ. जो भाई हिंदी अच्छे से समझते हैं उनकी तो मेरी समझ में आ जाएगा, और जो भाई तेलुगु अच्छे से समझते हैं या दोनों एक साथ समझते हैं तो उनकी समझ में भी ये रहने वाली है. तो ये भाई हैं हमारे जो कि हिंदी समझ के हमें तेलुगु में बताने वाले हैं. तो सर आप अपना नाम बताइए. सर सर मेरा पेर गोविंद सर. कहाँ से सर आप? मैं नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट से. तो आप कितनी आपकी शॉप है? हाँ शॉप है सर. कितने टाइम से सर? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ. 10 साल से आप काम कर रहे हैं. तो आप क्या काम नहीं कर पा रहे थे जो आपने फोन फिक्स ज्वाइन किया? नहीं वो फर्स्ट दिल्ली लो का इंस्टीट्यूट ज्वाइन है ना सर, జాయిన్ అయితే అక్కడ విపిహెచ్ లైన్ కానీ వోల్టేజీకి సంబంధించింది కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోవడం వల్ల నాకు సరిగా వర్క్ రాలేకపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఫోన్ ఫిక్స్ సాగర్ సార్ పరిచయం కావడం వల్ల ఇక్కడ వచ్చిన నేను. ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే మనకు థియరీ హిందీలో చెప్పినా కానీ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రాక్టీస్లో సాగర్ సార్ ఉంటాడు, ప్రతి లైన్ టు లైన్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఒకవేళ లైన్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా అర్థం కాకపోయినా కానీ మళ్ళీ మనకు ఆఫ్టర్ 8 తర్వాత మన హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది, హాస్టల్లో మనకు వేరే సార్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఎవరైతే తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన తెలుగు వాళ్ళందరం ఒకటి ఆలోచిస్తాం,
ఎక్కడ పోయినా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ పోయినా మన ఈ తీరిపాటు మొత్తం హిందీలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అయితే మా మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఏమవుతుందంటే ఇట్లా హిందీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి హిందీ రాకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఆ ఇబ్బంది అనేది మన ఏ మన ఫోన్ ఫిక్స్ హైదరాబాద్లో ఆ ఇబ్బంది అనేది 100% ఉండదు. నేను ఇప్పటికీ వచ్చి 10-14 రోజులు అవుతుంది, 100% ప్రతి లైన్ కానీ డయాగ్రామ్ కానీ ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడుంటే ఎట్లా క్యాచ్ చేయాలి, మెయిన్ ప్రాబ్లాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, డబుల్ డెక్కర్ అయినా కానీ సింపుల్ ఈజీ త్రో మనం ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదు అనేది 101% నేను చేయగలుగుతా. ఇప్పుడు నా మీద నాకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంది. సాటిస్ఫై ఉన్నారా మీరు? 100% సార్. चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक बारी में सब कुछ बता दिया. आपकी समझ में मैं अच्छे से जानता हूँ आया होगा, क्योंकि आप तेलुगु जानते हैं तो आपकी समझ में आया होगा. जो हमारे हिंदी वाले भाई हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे रिव्यू इस वीडियो के अंदर हिंदी के अंदर भी आपकी समझ में वो भी आया होगा. और जो भाई हमारे अभी भी कन्फ्यूज हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो भाई उनके लिए तो मैं यही कहता हूँ कि आप है ना सिर्फ डेमो के लिए डेमो क्लास के लिए आ जाइए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा. यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जी, यहाँ ओल्ड स्टूडेंट रिकमेंड करे सो स्टूडेंट हैं. ये इन्होंने जो डाल दिए जो सीपीयू यूपीयू डाल के बता रहे हैं, इसे पहले जब हम बात करे थे इनसे रिव्यू लेते थे हम, उससे लेके अब तक रेडी करके दे दे रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. तो यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं बहुत सारा स्टूडेंट जो है जो ओल्ड स्टूडेंट का रिकमेंडेशन से आते हैं. ओके, ताकि स्टूडेंट ऐसा आना बहुत इम्पॉसिबल है, ताकि ओल्ड स्टूडेंट से पता कर लेते, ताकि उन लोगों का काम देखते हैं, उन लोगों का काम की लेवल देख के यहाँ तक पहुँचते. ये भी है इसे पहले की स्टूडेंट ही इन लोगों को भिजाया है. okay. ये भी है इसे पहले की स्टूडेंट ही इधर भिजाया है. okay. ताकि यहाँ से काम सीखने के बाद स्टूडेंट जब सेटिस्फाई होता तो दूसरे को बताता, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे को कभी बताने वाला नहीं. ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे को जब रेफर करते हैं तो उसके अंदर नॉलेज भी अच्छी होती है इंस्टीट्यूट के अंदर, तभी वो रेफर करते हैं, नहीं तो कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को नहीं भेजने वाला.